बहुत सीढ़ियाँ, 150-200 सीढ़ियाँ हैं। सांस फूल गई है, मम्मी जा रही है। यहाँ की जो कैंटीन है होटल वगैरह की, तो और वॉशरूम में पानी अच्छा खासा ठंडा आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, एंड ये व्लॉग है मंडे का। तो रविवार यानी कि संडे रात को 3 बजे हम घर से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए, और जैसे ही टेक ऑफ किया था तो बस वही मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था। एंड अब हम आ गए हैं आसाम गुवाहाटी। तो यहाँ हम ऐसे आ गए हैं कि काफ़ी दिनों से मम्मी की इच्छा थी कि भाई कामाख्या देवी माता के दर्शन करने हैं, एंड सडनली बिल्कुल अचानक से टिकट्स बनवा ली मम्मी ने। तो कहते हैं ना, ऐसे बुलाती हैं माँ दर्शन के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी अपनी कोशिश भी होनी चाहिए कि हाँ दर्शन करने जाना है, तो माता रानी फिर बुलाती भी हैं जो भक्त उनके इतनी कोशिश करते हैं आने के लिए। और यहाँ हम पहुँच गए हैं गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर जो टैक्सी लेते हैं ना बिल कटवा के, तो बस वही वाली मैंने ले ली है लाइन लगा के, और बस चल पड़े हैं, जा रहे हैं होटल। तो एयरपोर्ट से हमारा जो होटल था वो था 26 किलोमीटर दूर, तो काफ़ी समय लग गया था। और गर्मी का मैं आपको बताऊं तो यहाँ भी कलकत्ता की तरह ही गर्मी है, और यहाँ पर नो अनियन नो गार्लिक पूरा, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर जो होटल है तो नीचे में ही रेस्टोरेंट है, नो अनियन नो गार्लिक खाना मिलता है। एंड खाना बड़ा मज़े का था, खाना बहुत अच्छा था। तो ये है रूम, तो 2 सिंगल बेड है, तो एक पे मम्मी सो जाएंगी, एक पे मैं सो जाऊँगी। ये वॉशरूम है और ये है बालकनी। तो अच्छा ही था रूम, जैसे कि टूरिस्ट होटल वगैरह रहते हैं बस वैसे ही, तो मतलब सो था, ओके था। तो एक दिन ही निकालना था तो क्या है उसमें, तो सही ही था। फाइनली अब पहुँचे हैं, क्योंकि कल रात में ही होटल की बुकिंग हुई थी, और यहाँ जैसे होटल में सिस्टम होता है ना कि 8 बजे से ही आपको रूम मिलेगा, तो तकरीबन हम लोग 1.25 घंटा रिसेप्शन में बैठे रहे और पहुंच भी बहुत जल्दी गए थे। 1 घंटा लगा था 45 मिनट फ्लाइट में। तो ये वाला जो जर्नी है ये बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी पहुंच गए हम लोग। तो बस अब फिलहाल हम लोग रूम में आए हैं, चाय ऑर्डर की है, चाय और ब्रेड टोस्ट। थोड़ा हम खाएंगे हाथ मुंह धो के, उसके बाद नहाने जाएंगे सीधे फिर से, और नहाने के बाद में फिर मंदिर जाएंगे। तो यहाँ सिस्टम है कि वीआईपी जो दर्शन होते हैं उस हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बोल दिया है कुछ ड्राइवर जी हैं, उनकी कुछ पहचान थी, पंडित जी से बोल दिया है टिकट्स लेने के लिए, मगर दोपहर में होंगे। तो बस अब नहाएंगे थोड़ी देर के बाद, उसके बाद जाएंगे सीधे मंदिर। रूम तो अच्छा है। तो लोकेलिटी आप देख सकते हैं, ओके है, ठीक है, 24 घंटे निकालने के लिए बहुत अच्छी है। तो और धूप भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल कोलकाता की तरह ही गर्मी है। और हमने आके सबसे पहले एज यूजुअल अपने लिए चाय ऑर्डर की है, और बस वो आती होगी। अभी बस वेट कर रहे हैं थोड़ा चाय का, बोल दिया है क्योंकि 7 बजे से यहाँ की जो कैंटीन है होटल वगैरह की, तो उन्होंने बोला कि 7 बजे के बाद में ही चाय वगैरह मिल जाएगा, एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है जो भी बुकिंग हमने की है। ठीक है, होटल जैसे टूरिस्ट जगह पे रहता है। तो बस और वॉशरूम में पानी अच्छा खासा ठंडा आ रहा है, और गर्मी का बताऊं तो बिल्कुल जैसे कोलकाता में रहती है ना गर्मी, बिल्कुल वैसी ही गर्मी है। मैं क्या सोच रही थी पता है
कि पहाड़ होंगे और बहुत ठंडा ठंडा रहेगा, क्योंकि मैं तो कभी आई नहीं हूँ गुवाहाटी, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं तो, मगर अच्छा है। अब बस नहा के और सबसे पहले माता रानी के दर्शन कर लें, और एक उमानंदी जी का मंदिर है ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, जैसा मैंने सुना है, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो बस दर्शन कर लें। उसके बाद में बस 24 घंटे का ही ट्रिप है, छोटा सा है, मगर बस बीच बीच में ऐसा चेंज हो जाए तो अच्छा लगता है। जा रही हूँ, चाय आ जाएगी तो नहाने जाऊँगी। तो बस यहाँ जो चाय और ब्रेड टोस्ट हमने ऑर्डर की थी, तो 4 ब्रेड ऑर्डर की थी, जो सबसे छोटी साइज़ की ब्रेड आती है ना, बस वही थी। तो 2 मम्मी ने खा ली थी, 2 मैंने ले ली थी, और हमने अपनी मेडिसिन ले ली थी। और यहाँ पर आके मैंने शैम्पू करके पूरा मैं नहाई हूँ, और घर से जब चली थी तब मैंने शैम्पू जानबूझकर ही नहीं किया था, क्योंकि सफ़र करते हैं तो फिर जैसे हार्ड नहीं हो जाते बाल थोड़े टाइट टाइप के, तो बस यहाँ कर लिया था। और इनको मैंने बुलाया है, और देखिए मैं प्लेट ये लेकर आए हैं दूसरी, इन्होंने हमको नाश्ता दिया तो वो प्लेट कैसी दी, पूरी चटकी हुई, जैसे टूटी हुई प्लेट रहती है ना वैसी। तो आप लोग मुझसे पहले पूछेंगे कि आप कौन से होटल में रुके थे, सर्विस कैसी थी, तो सर्विस मैं आपको अभी से बताती हुई चल रही हूँ कि ऐसी सर्विस थी। और इनके यहाँ लंच डिनर का कोई सिस्टम नहीं है, नीचे एक रेस्टोरेंट है उसमें आप जाइए, पैसे पे कीजिए और साथ के साथ ही वहाँ खाइए, और वहाँ रेस्टोरेंट से भी किसी के भी रूम में खाना पहुँचाया नहीं जाता है, डिलीवरी सिस्टम नहीं है, बट खाना बहुत अच्छा था, नो अनियन नो गार्लिक। और दर्शन करने जाते हैं तो हम लोग बिना प्याज लहसुन का ही खाते हैं। तो यहाँ आप मम्मी की साड़ी देख सकते हैं, आप मुझे बताइएगा कि ये साड़ी आपने कब देखा है मम्मी को पहने हुए, एक व्लॉग में और भी है जिसमें ये साड़ी मम्मी ने पहनी है, बहुत खूबसूरत साड़ी है और पूरा स्वारोस्की का वर्क है। तो बस हम दोनों हो गए हैं रेडी और अब निकल रहे हैं उमानंदा मंदिर के लिए। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूँ आपको कि यहाँ भी पुणे की तरह ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो ड्राइवर जी बता रहे थे कि कभी कभी तो ऐसा ट्रैफिक होता है कि 1.5 घंटा गाड़ी खड़ी रहती है। तो सोच समझ के आप निकलें मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये बोर्ड है, हम आ गए हैं फेरी घाट, यहीं से लॉन्च जो होती है ये स्टीमर, ये जाती है उस पार उमानंदी मंदिर के लिए। तो बस यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, काफ़ी स्टीमर्स अभी मतलब लोगों को लेकर गई हुई है, एंड आप देख लीजिए यहाँ ये है ब्रह्मपुत्र नदी, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो इस तरीके से काफ़ी देर हम लोगों ने वेट किया, और वहाँ पे एक टाइमिंग रहती है, बाद में मैं आपको बोर्ड भी शो करूँगी सारा टाइमिंग स्टीमर का आने का जाने का, कितने बजे आती है कितने बजे जाती है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो ये स्टीमर चल रही है अब आपकी, आप इस स्टीमर की तेज़ी देख सकते हैं, स्पीड देख सकते हैं, बहुत स्लो चल रही थी, काफ़ी लोडेड भी थी काफ़ी लोगों से। और ये हमारी वाली आ गई है जिन जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, फाइनली हम बैठ गए हैं। अच्छा, जगह इतनी ज़्यादा है ना, और मुझे आप देख रहे हैं बार बार मैं उबासी ले रही हूँ, तो नींद पूरी नहीं हुई थी और मैं हर जगह बैठी बैठी सो जा रही थी बार बार। तो बस यहाँ पर भी तकरीबन आधा पौन घंटा खड़ी रहती है, हमारे सामने कुछ कम ही लोग थे मगर देखते ही देखते पूरा स्टीमर फुल हो गया। तो यहाँ भी अच्छी खासी पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए, एंड मे बी हो सकता है कि शायद मंडे का दिन था इसलिए भी, बट वहाँ के लोग बता रहे थे कि ये आज तो कम भीड़ है, हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये हम उस पार पहुँच गए हैं, और एक पर्सन का अप एंड डाउन का लगता है 40 रुपया करके, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो यहाँ ये मिक्स फ्रूट वाले सब बैठे रहते हैं, तो बस ये आप खाते पीते आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। कम से कम अभी मैं जब बताऊंगी तो 150 सीढ़ी हमें समझ रही थी, मगर आराम से 200 सीढ़ी के लगभग थी। एंड आप मेरी मम्मी की एनर्जी देख सकते हैं, ये बाबा यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे थे तो मैंने इनका भी क्लिप्स ले लिया। मेरी मम्मी की आप चाल देख सकते हैं, थोड़ा रुक रुक के और आराम से सीढ़ी चढ़ रही थी कि जैसे कि भोलेनाथ ने एकदम एनर्जी दे दी हो उनको। तो दर्शन करने के मामले में तो एकदम सुपर फास्ट है हमारी मम्मी। और यहाँ पे ऐसी थाली सजा के रखते हैं, तो ये इस जगह में ही मिलती है, ऊपर में फिर ये फूल वगैरह नहीं मिलता है।
और इसके बाद में जब बस सीढ़ी चढ़ेंगे तो बस मंदिर आ जाएगा। तो यहाँ खड़े होके हमने थोड़ा सब पूरा हाल चाल लिया और आप लोगों को जो बताना था आप आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं सब कुछ बताती हुई चल रही हूँ। तो यहाँ नीचे ही उतार देते हैं चप्पल जूते जो भी पहने हुए हैं और बस ये वाली जो सीढ़ी जा रही है अब इसके एंड में ही मंदिर आपको दिख जाएगा। सबसे पहले हम उमानंदा मंदिर में ही दर्शन करने आए थे। बहुत सीढ़ियाँ हैं, बहुत सीढ़ियाँ, 150-200 सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के आ गए हैं, अब जा रहे दर्शन करने। पता नहीं मोबाइल अलाउ होगा कि नहीं, सांस फूल गई है। मम्मी जा रही है, मैं भी आ रही हूँ, बस दर्शन करके देखती हूँ, अलाउ होगा तो आपको भी कराऊँगी। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट और जैसे ही सबसे पहले एंटर करेंगे तो सबसे पहली जो मूर्ति है वो है मूषकराज जी की। और मम्मी यहाँ से गणपति जी के दर्शन करने के बाद, वहाँ आप देख सकते हैं लाइन काफ़ी है, तो यहाँ भी भीड़ थी ही अच्छी खासी। तो बस आप भी दर्शन कर लीजिए गणपति जी महाराज के सबसे पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितनी ग्रीनरी है और बहुत खूबसूरत है। जब आप आएंगे तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छी जगह है और बहुत सुंदर दर्शन हुए थे। तो सबसे पहले आप सभी दर्शन कर लीजिए उमानंदा जी के। और ये जैसे हम मंदिर जाते हैं तो और भी मंदिर रहते हैं ना अगल बगल में, तो ये वही भोलेनाथ जी का ही मंदिर था। तो बस 200 सीढ़ियाँ जैसे तैसे चढ़ के आ तो गए, बट इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर सांस फूल गई थी एकदम। और बस अब टाइम आया है नीचे उतरने का, तो नीचे तो आसानी से उतर जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस उसके बाद फिर अब हम फाइनली उतर ही गए हैं और दूर से ही दिख रही थी कि स्टीमर खड़ी हुई है, तो हम लोग खुश हो गए कि चलो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मगर जिस स्टीमर में हम घुसे हैं वो स्टीमर उस पार जा ही नहीं रही थी, वो कहीं और ही जा रही थी ये वाली। तो बस अब आप ये बोर्ड देख लीजिए, यहाँ टाइमिंग पूरी लिखी हुई है कब स्टीमर आती है, कितनी देर में जाती है। 40 रुपीज़ एक आदमी का चार्ज है अप एंड डाउन का, तो काफ़ी सस्ता है और गवर्नमेंट का भी है। तो बस वो वाली स्टीमर तो गई नहीं, उसके बाद काफ़ी देर बैठ के वेट किया और सिर्फ दो दो छोटी ब्रेड ही खा के निकले थे, बहुत टाइम भी हो गया था। तो ये एक एक प्लेट हमने फ्रूट्स ले लिए थे, तो मैंने ये भैया से बोला कि भैया हम रखा हुआ नहीं लेंगे क्योंकि उसमें वो मक्खी मच्छर घूमते रहते हैं। तो फिर इन्होंने सारे ही फल अच्छी तरीके से धो के काट के और दो प्लेट्स में लगा के दिए, तो 50 रुपया करके एक प्लेट थी यहाँ पर। तो चलो खाना नहीं खाया था, मगर इससे काफ़ी हम लोगों को आराम पड़ा खा के, तो बहुत ज़्यादा देर तक हमें भूख भी नहीं लगी थी। और ये है ट्रॉली, तो ये ट्रॉली भी चलती है यहाँ पर, इसका चार्ज है 200 रुपीज़ अप एंड डाउन एक जन का। तो ये क्या है कि ये आपको यहाँ उमानंदा में नहीं छोड़ेगी, ये बिल्कुल ही एकदम अपोजिट उस पार छोड़ेगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पत्थर रखा हुआ है ये आपको देखने में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि शंख हो, वही मैं मम्मी को भी दिखा रही थी। तो बस उसके बाद में स्टीमर आ गई और आप देख सकते हैं कि कितने लोग हम यहाँ पर आए थे, बहुत अच्छी खासी भीड़ जिसको बोलते हैं ना, बहुत क्राउड था यहाँ पर। मैं सोच रही थी कि शायद थोड़ा खाली मिलेगा और अभी देखिए स्टीमर पूरी भर के आई है। और जब हम उस पार पहुंचेंगे तब भी आप देखिएगा कि इससे भी ज़्यादा पब्लिक वहां खड़ी हुई थी वापस आके दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ फिर स्टीमर आ गई थी, हम बैठ गए थे और पता है स्टीमर में पीछे भी काफ़ी जगह थी मगर लोग बैठ नहीं रहे थे, वही सेल्फ़ी एंड ऑल, तो सेल्फ़ी का तो इतना क्रेज़ है, चिलचिलाती हुई धूप है मगर बाहर खड़े होकर सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो चलिए ये तो आजकल के ट्रेंड में है। और बस उसके बाद में फाइनली हम वहाँ पहुँच गए थे और अभी आप देखेंगे कि फिर से इतनी भीड़ थी, तो एक स्टीमर नहीं कई स्टीमर भर भर के लोग जाते हैं उमानंदा जी दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ उतरने के बाद में और उसके बाद में हमने पी यहाँ पे बाहर निकल के एक सोडा सिकंजी, क्योंकि गर्मी का लेवल बहुत हाई था, कोलकाता के जैसी ही गर्मी यहाँ पर है। मैंने सोचा था कि कुछ पहाड़ एंड ऑल होंगे और ठंडा ठंडा रहेगा क्योंकि मैं भी पहली बार ही आई हूँ, तो यहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा पी लिया था हमने, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ से हमने ऑटो किया, ऑटो बस सब कुछ मिलता है। ऑटो वाले ने जो भाड़ा लिया हमसे वो था
का 350 रुपये, और बस से आप जाएंगे तो पर पर्सन 20 रुपीज़ करके लगता है, बट वो पूरे बस भरेगी तब आपको लेके जाएगी, और सब लटक लटक के जाते इतना भर के। तो मैंने दोनों ही रास्ते आपको बता दिए। तो हमने तो ऑटो ही कर लिया था क्योंकि उस वक्त हमें अपने लिए यही कन्वीनियंट लगा, और 300 रुपीज़ चार्ज किया था उन्होंने मंदिर के पास छोड़ने के लिए। और ये जो गेट में हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है कामाख्या देवी जाने का रास्ता, और अब करनी है पहाड़ों पर चढ़ाई क्योंकि हमारी माता रानी विराजमान है पहाड़ों पर। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इसके आगे का सारा प्रोसीजर, आप कैसे जाएं, कैसे दर्शन करें, सब कुछ मैं आपके साथ कल वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।